ये महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में बीएसएफ जवानों के शौर्य का प्रदर्शन किया गया। कई हैरतअंगेज करतबों ने दर्शकों को दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया। भारत माता के जय घोषों के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजन को लेकर सहयोगी भंवर आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास बात की। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में दो दिनों से सेना के शौर्य का प्रदर्शन हो रहा है। बीएसएफ का खास शक्ति प्रदर्शन शो आज कोटा के नयापुरा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर यह कार्यक्रम हो रहा है। बिरला साहब, भारतीय सेना का क्रेज ऐसा लगता है कि हड़ौती अंचल में बढ़ता जा रहा है। स्टेडियम पूरा भरा हुआ था और करतब सबको रोमांचित कर रहे थे। कोई खास वजह इस तरह के शो लगातार हड़ौती में हो रहे हैं? सीमा सुरक्षा बल जो हमारे देश की सीमाओं पर फ्रंट लाइन पर देश की रक्षा का काम करती है, चाहे पहाड़ी हो, तूफान हो, तपती गर्मी हो, हिमालय हो, जंगल हो, वहाँ पर जिस अदम्य साहस के शौर्य के साथ ये सीमा हमारी रक्षा करती है, उनके शौर्य और साहस को देश को देखने की आवश्यकता है। आज हमने देखा किस तरीके से यहाँ के जांबाज सैनिक महिला जवानों ने किस तरीके से अदिव्य शौर्य साहस का परिचय दिया और एक आत्मविश्वास के साथ कि हम किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा करने में सक्षम हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा मिले, नया आत्मविश्वास जागे और नई उत्साह रहे और कुछ भी करने का संकल्प उनके मन में रहे। ये क्योंकि एक एजुकेशन सिटी है, इसलिए नौजवानों के मन में आत्मविश्वास होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए और हर चुनौतियों को लड़ने की सामर्थ्य होना चाहिए, इसलिए कार्यक्रम आयोजित किया। बिरला साहब, आर्मी का डॉग शो भी हुआ, सीमा भवानी संगठन की टीमों ने बाइक पर कई तरह के स्टैंड दिखाए, हथियारों के साथ ड्रिलिंग भी हुई, कौन से करतब ने लोकसभा स्पीकर को ज़्यादा रोमांचित किया? सभी करतब अपने आप में उत्कृष्ट क्वालिटी के थे और जिस तरीके से उन्होंने ये शो किया, ये अपने आप में देश की जनता को देखने लायक है। बिरला साहब, हाल में हड़ौती अंचल में बीते सालों में कई शहादतें बॉर्डर पर हुई है, आपको क्या लगता है इस इलाके से पहले आमतौर पर इतनी प्रवृत्ति नहीं थी फौज में जाने की, लेकिन अब आर्मी का क्रेज कोटा अंचल में भी बढ़ता जा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि हड़ौती के अंदर, गाँव के अंदर, यहाँ के नौजवानों में सेना में जाने का, अर्धसैनिक में, पुलिस बल में जाने का जो उत्साह बढ़ रहा है, जो देश प्रेम के प्रति उनका संकल्प है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा केंद्र सेना में अर्धसैनिक और पुलिस बल के लिए ये एक क्षेत्र होगा और यहाँ पर हम इसी तरीके की फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, चाहे कोटा में हो, बूंदी में हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बना रहे हैं, सिंथेटिक ट्रैक बना रहे हैं, जिम बना रहे हैं और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय मानक पर प्रतियोगिता हो सकती है उन सब प्रतियोगिताओं को करने के लिए यहाँ पर खेल की सुविधाओं को व्यवस्था बना रहे हैं। तो खेल और खिलाड़ियों के लिए भी और साथ में युवाओं के लिए भी और आर्मी में जाने का एक ट्रैक तैयार करने की कोशिश भी युवाओं के लिए हो रही है। कह रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कोटा में और पूरे कोटा संसदीय क्षेत्र में दो दिनों से सेना के शौर्य का प्रदर्शन बीएसएफ कर रही है और इसे देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि हड़ौती अंचल में सेना का क्रेज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।